क्या आपको पता है कि हमारे ब्रेन के ऊपर एक आवरण भी होता है जिसका काम हमारे ब्रेन को किसी भी प्रकार के मैकेनिकल ट्रॉमा यानी किसी भी प्रकार के कट, घाव, दबाव आदि के कारण जो इंजरी होता है उससे हमें ये बचाता है। साथ ही साथ इस आवरण के अंदर ही यानी इस लेयर के अंदर ही ब्लड वेसल्स होती है जो हमारे दिमाग को ताजा ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती है जिससे हमारा ब्रेन काम कर पाता है। इसलिए हमें बिना समय गवाए आज ये जानना है कि ब्रेन के ऊपर ये आवरण यानी जो ये लेयर है ये काम कैसे करता है। देखिए, ब्रेन के ऊपर जो आवरण पाया जाता है उसे मेनिंजिस कहते हैं और ये मेनिंजिस तीन लेयर से मिलकर बना हुआ होता है, यानी ब्रेन के ऊपर कुल तीन लेयर होते हैं। चलिए एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक जरूर करना। देखिए, जैसे ही हम अपने कपाल में अंदर की ओर जाएंगे वैसे हम अपने ब्रेन के पहले लेयर को पाएंगे जिसे ड्यूरा मैटर कहते हैं। ड्यूरा मैटर हमारे ब्रेन के लेयर का सबसे बाहरी लेयर होता है और ये बिल्कुल लेदर की तरह होता है। ये कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। जब हम इसे और ज्यादा गहराई से जानने का प्रयास करते हैं तो हम पाते हैं कि ये ड्यूरा मैटर भी दो लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, एंडोस्टियल लेयर और मेनिंजियल लेयर। देखिए, ये दोनों लेयर पूरे ब्रेन में आपस में बहुत ही टाइटली चिपके रहते हैं, लेकिन तीन जगह ब्रेन में ऐसी होती है जहाँ पर ये लेयर आपस में अलग होकर थोड़ी सी खाली जगह बना लेते हैं जिसे साइनस कहते हैं। ब्रेन में इस जगह को देखिए जहाँ मैं एरो से पॉइंट कर रहा हूँ, ये हमारे ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर के बीच की जगह है जहाँ पर ये लेयर्स इन दोनों हेमिस्फीयर के बीच की जगह में ही फोल्ड हो जाती है और आपस में अलग हो जाती है और एक वीनस साइनस बनाती है। इस जगह को फाल्स सेरिब्री कहते हैं। देखिए, हमारे ब्रेन के इस हिस्से को सेरिब्रम कहते हैं और इस वाले हिस्से को जो छोटा सा है इसे सेरेबेलम कहते हैं। इन दोनों के बीच में भी ये दोनों लेयर इसके अंदर फोल्ड हो जाती है और आपस में अलग होकर एक साइनस बनाती है। इस जगह को फाल्स सेरिब्रली कहते हैं। अब देखिए, हमारा जो सेरेबेलम होता है वह भी दो लोब में बटा रहता है। इन दोनों लोब के बीच में भी इसके अंदर ये फोल्ड होकर ये दोनों लेयर आपस में अलग हो जाती है और एक साइनस बनाती है जहाँ पर वीनस ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि ब्लड को कलेक्ट करते हैं और हार्ट तक ले जाते हैं। इस जगह को टेंटोरियम सेरेबेली कहते हैं। देखिए, ये तो हुआ ब्रेन का पहला लेयर जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है। अब आते हैं हम इसके नीचे वाले लेयर में जो कि ब्रेन का मिडिल और दूसरा लेयर होता है। ब्रेन के दूसरे लेयर को एरेकनॉइड मैटर कहते हैं जो कि एक वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये भी पूरे ब्रेन को अपने अंदर इन्वेलप किए रहता है। ये इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू से बना रहता है, इसलिए इसका मेन पर्पस होता है कि जब भी हमारे ब्रेन को कोई मैकेनिकल शॉक लगे तो ये उसको एब्जॉर्ब कर ले। अब देखिए, ब्रेन का जो सबसे अंदरूनी और तीसरा लेयर होता है उसे कहते हैं पाया मैटर, जो कि ब्रेन का सबसे अंदरूनी लेयर होता है। ब्रेन के ऊपर आप जो ये फोल्डिंग देख रहे हैं ऊपर नीचे सा, इन सब के ऊपर चिपका हुआ होता है ये पाया मैटर। ये ब्रेन को बहुत ही टाइटली इन्वेलप किए रहता है और ये फाइब्रस टिश्यू से बना रहता है। हमारे ब्रेन में जो पाया मैटर और एरेकनॉइड मैटर होता है उसके बीच में एक स्पेस होता है जिसे सब एरेकनॉइड स्पेस कहते हैं। इस स्पेस में एक फ्लूइड होता है जिसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ये जो CSF फ्लूइड होता है इसका हमारे ब्रेन में बहुत सारा जरूरी काम होता है। इसका सबसे जरूरी काम ये होता है कि ये हमारे ब्रेन को एक कुशन प्रोवाइड कराता है जिससे हमारा ब्रेन किसी भी मैकेनिकल प्रेशर को एब्जॉर्ब कर ले। इस फ्लूइड में ब्रेन अपने सारे वेस्ट मटेरियल को रिलीज कर देता है जिससे ब्रेन के सारे वेस्ट मटेरियल बाहर की ओर निकल जाते हैं और यहीं से ब्रेन को न्यूट्रिशन भी मिलता है। इस इमेज को आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ब्रेन के इस सब एरेकनॉइड स्पेस से कुछ संरचना निकली हुई है। यहाँ पर जहाँ मैं एरो से पॉइंट कर रहा हूँ इन्हें एरेकनॉइड विलीज कहते हैं और इनका काम ये होता है कि ये सब एरेकनॉइड स्पेस में जो CSF फ्लूइड होता है उसे यहाँ पर सब ड्यूरल स्पेस जो कि ब्रेन के सबसे बाहरी लेयर के बीच में जगह होती है मैंने आपको बताई थी, वहाँ पर इस CSF फ्लूइड को लाते हैं। और क्योंकि यहाँ पर पहले से ही वीनस ब्लड कैपिलरी होती है इसीलिए ये रिलीज CSF के थ्रू ब्रेन के सारे वेस्ट मटेरियल को यहाँ ब्लड वेसल्स में पहुँचा देता है और यहाँ से सारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। एक बार आप फिर से इस इमेज में ब्रेन के सारे लेयर को देख लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना।